तो बच्चों इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 1 है, किस तरह से सॉल्व होगा। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 से 1 है ना, तो सबसे पहले काम करेंगे लिखेंगे 0 टू 1, हम कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1 बाय एक्स। देखो कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या, टैन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर। तो करते हैं स्टार्ट, यहां पर लिखेंगे टैन इनवर्स और ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब क्या करें, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 टैन इनवर्स 1 माइनस यहां 1 अपॉन 1 माइनस यहां से x कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। ये स्टेप ठीक से आ गया, एक बार चेक कर लो अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर x ऐड करूंगा और x सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अब कुछ कुछ आइडिया आपको निकल रहा होगा, कुछ कुछ आइडिया बन रहा होगा। यहां पर मैं tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगाने वाला हूं, ध्यान से देखो बेटा। x को मैं लूंगा tan a, लेट x इज इक्वल टू tan a एंड 1 माइनस x इज इक्वल टू tan b। ऐसा करने से हमारा जो स्टेप क्या बनेगा क्वेश्चन का, 0 टू 1, 0 टू 1 tan इनवर्स x की जगह tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a और फिर tan b और यहां पर dx, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते ध्यान से, वो 0 टू 1 tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है tan a प्लस b। तो यहां पर लिखेंगे tan और यहां पर ब्रैकेट में a प्लस b लिख करके ब्रैकेट क्लोज करके dx लिख देते हैं। tan इनवर्स tan हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 0 टू 1 tan इनवर्स tan हट गया ना, तो a प्लस b बचा और यहां पर बेटा dx बच गया। बढ़िया, आगे क्या कैसे करें, a क्या है बेटा, यहां से वो a क्या है, हमने क्या किया था x को tan a लिया था ना, अगर x को tan a लिया था, अगर x को tan a लिया था तो a बन जाएगा tan इनवर्स a tan इनवर्स x सॉरी, एंड अगर मैंने 1 माइनस x को क्या लिया था tan b लिया था तो b बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस x, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है 0 टू 1 a की जगह tan इनवर्स x प्लस b की जगह tan इनवर्स 1 माइनस x dx। अब ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन जो ये था ना, इतना टफ से दिख रहा था, वो काफी इजी हो चुका है, हमारा क्वेश्चन यहां तक बन चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। एक प्रॉपर्टी थी आपने पढ़ी होगी, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या थी, 0 टू a f x dx क्या होता है बच्चों, 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। इसका मतलब क्या होता है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1 माइनस x दोनों सेम हो जाएंगे, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कुछ 0 टू 1 टू टाइम्स tan इनवर्स x dx। अब चेक करो हमारा जो क्वेश्चन बहुत टफ था वो कितना इजी बन चुका है। इसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, आपको सारे स्टेप अच्छे से आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन बेटा। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे, सारे स्टेप ध्यान से देखना, है ना। अगला स्टेप बनता है हमारा टू टाइम्स 0 टू 1 tan इनवर्स x dx। इसको कैसे करें, आइलेट से कर सकते हैं, है ना, बाय पार्ट्स, क्योंकि यहां पर सेकंड फंक्शन नहीं है, हम सेकंड फंक्शन को 1 एज्यूम कर सकते हैं। बढ़िया, तो इसको मैं आई लेता हूं, ओके, तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स। यहां पर ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन 1 हो जाएगा, क्लियर। कैसे करते हैं आइलेट, कैसे करते हैं बाय पार्ट्स, ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और यहां पर होल dx, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ आ रहा है अच्छे से, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं ध्यान से देखो,
कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे देखो, आई इज इक्वल टू टू टाइम्स टेन इनवर्स, लिमिट ध्यान रखना 0 to 1 ही, बाद में लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x2। देखिए 1/1 + x2, इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है, तो यहां पर x डाल देते हैं dx। यहां तक आपको अच्छे से आ गया होगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं आई होगी, है ना। आगे देखो, I इज इक्वल टू 2 times x tan इनवर्स x, और यहां पर मैं 1 + x2 को t लेता हूं, 1 + x2 को t अगर ले लें तो dt/dx क्या आएगा, यह आएगा 2x, ठीक है ना। x dx की जगह लिखेंगे हम लोग क्या, x dx बन जाएगा dt/2, यहां पर dt और यहां पर / 2, और नीचे t और यहां पर dt, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बढ़िया। अब यहां पर देखो, I इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x, यहां पर लिमिट क्या डालेंगे, यहां पर लिमिट डालेंगे 0 to 1, क्योंकि यहां पर x ही चल रहा है। अब यहां पर क्योंकि t में कन्वर्ट कर दिया इसको, देखो 2 को मैं 1/2 से इंटू करूंगा तो 1 आएगा ना, 1, और यहां पर आएगा log t। अब यहां पर लिमिट t के हिसाब से होंगी, ध्यान से देखो, अगर t को मैंने 1 + x2 एज्यूम किया है, लोअर लिमिट हमारी 0 है, यहां पर 0 पुट करो तो आपकी लोअर लिमिट 1 बन जाएगी, एंड अपर लिमिट क्या बनेगी, अपर लिमिट 2 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू 2, यहां पर 1 डालो तो tan इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू 0 tan इनवर्स 0, तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो चलेगा, माइनस यहां पर देखो log 2 माइनस log 1 करना पड़ेगा, ठीक है। एंड tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 इज π/4। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या बनेगा, ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू 2 times tan इनवर्स 1 क्या है, π/4, यहां पर π/4 डाल दो, ठीक है, ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आओ, माइनस log 2 माइनस प्लस, सॉरी प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड log 1 इज 0, ठीक है। 2 से 4 कटेगा तो 2 बन जाएगा, तो I क्या बना, π/2 माइनस log 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर है π/2 माइनस log 2। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, दिस इज द आंसर, करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे बच्चों।